जोहार, स्वागत है आप मन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूँ आप मन संग तृप्ति सोनी। आज चर्चा करबो नीट परीक्षा ले लेके, और न सिर्फ नीट परीक्षा बल्कि जतका भी परीक्षा हो थे तेमा छत्तीसगढ़ के लाखों लाखों छात्र मन घलो तैयारी करते। जब स्कूल के बेरा होते तब ले लइका मन सोचे लगते कि हमला डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कौन से फील्ड में जाना है। तेकर बार कड़ा मेहनत करना पड़ते, कई बार तो 18-16 घंटा पढ़ाई भी करना पड़ते। नीट की परीक्षा तो ऐसे है कि 24 लाख ले ज्यादा छात्र फार्म भरे रहने परीक्षा देवाइन। लेकिन जो मामला अगुवाइस बालोद और दंतेवाड़ा, ये दो ऐसे जगह है जिन्हें के परीक्षा सेंटर में दोबारा परीक्षा हुई। 602 छात्र ऐसे है छत्तीसगढ़ के जिनमें दोबारा परीक्षा देवाही नीट के 23 जून के परीक्षा होना है। अब सवाल कई ठन खड़े होना शुरू हो गए है एकर सती के जतका गड़बड़ी आए है आगू, छात्र बन के प्रदर्शन, राजनेता बन के प्रदर्शन चलत है और पेपर लीक के बड़े दाग एक दरे फिर नीट परीक्षा ऊपर लगे है। तो आज चर्चा करबो हमर संग में यहाँ छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट मन जिन छात्र छात्रा मन है जिन तैयारी करते है उकर मन से गोट बात करबो। संगी हमर संग में पहुना मन घलो जुड़ी, भारतीय जनता पार्टी ले उमेश घोड़मोड़े बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ी हमार संग में, धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस के प्रवक्ता हमार संग में जुड़े बर जात हवे। त चर्चा के शुरुआत में पहली करता हूँ छात्र छात्रा मन ले, मैं यहाँ हूँ कोचिंग सेंटर के बाहर जेमन करते हैं तैयारी लइका मन परीक्षा के। तो आप जो तैयारी का चीज की तैयारी करत हो अभी? नीट की। नीट की तैयारी करत हो, अभी पता है नीट के परीक्षा में क्या हुई? घपला हुआ है। अच्छा, हाँ। तो क्या सोचता हो फिर? हुआ है घपला, उसको सुधारना चाहिए। हाँ। और सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए पेपर के लिए। अच्छा ठीक, सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। हाँ। अच्छा, ये देख के मतलब कहाँ समझ में आते हैं आप लग के पेपर लीक? अब आप कहाँ सपना सोच के रखे हो कि कहीं पेपर लीक से डर तो नहीं है आप आगे? अगर ऐसे ही चलते रहा तो आगे तो हर बच्चे के मन में डर आ ही जाएगा, और इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए तो सब ठीक रहेगा। फिर आप क्या सोचते? डर तो बैठेगा ही साथ में, उस फील्ड में जाने की हमारी सोच भी हट जाएगी, इसलिए वो उसको कम करे और ऐसा हटाने की कोशिश करे तो ज्यादा बेहतर है। ये परीक्षा की जो प्रक्रिया होते बोला अभी से समझना शुरू करते हो आपन? अभी देखे हो का? हाँ, अभी जो नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, किसी के 718 मार्क्स आ जा रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हम लोग को करियर इनसिक्योरिटीज़ भी बढ़ती जा रही है। अपना पूरा मेहनत करते हैं हम लोग, 2 साल लगा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर आगे अगर हम डॉक्टर बन भी जाते हैं तो फिर लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा कि ये डॉक्टर बन के कैसे आए हैं। कहीं लोगों के गलत मार्क्स आए थे और फिर भी चीटिंग के वजह से लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो वैसी इनसिक्योरिटीज़ भी बढ़ेगी और करियर चेंज करने के बारे में सोचना पड़ेगा। ये सब नीट की बात नहीं है, अभी नेट परीक्षा भी रद्द हो गई है, तो ये जो परीक्षा कराते ओकर बाद दोबारा परीक्षा दिलाना, आप का लगते हैं स्टूडेंट मनला कि दोबारा तैयारी करना है, दोबारा पेपर ला दिलाना है? कई जगह तो बोले जा रही हैं कि दोबारा पेपर होंगे, बट एक ये बच्चों पे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, और उनको उसी चीज़ की फिर से, जब वो उस चीज़ को कर चुके हैं उस चीज़ से, मतलब उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बट देन ऑल्सो उन लोग को फिर से उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ी, वो गलत बात है। और नीट में 718 मार्क्स आना है जस्ट इम्पॉसिबल। और इस बार बोल रहे हैं ग्रेस मार्क्स भी दिए हैं, हमें लगता है कि जो NTA एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है वो उसे छोड़ के फिर से CBSE को दे देना चाहिए कंडक्ट कराने के लिए। मतलब ये स्टूडेंट मन की मांग भी है कि CBSE पहली जैसे कराते हैं उसे वैसे कराना चाहिए, तो एजेंसी ऊपर ही सबसे बड़े सवाल है ना? यस मैम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 5 अटैम्प्ट दे रहे हैं, 4 अटैम्प्ट दे रहे हैं, तो फिर भी उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो कई लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं, उनके डिप्रेशन में चले जाते हैं, पेरेंट्स पीछे पीछे घूमते वॉशरूम के बाहर खड़े हो जाते हैं कि बच्चा कुछ करना ले, बहुत डर जा रहे हैं पेरेंट्स। तो NTA को ग्रेस मार्क तो हटा ही देना चाहिए पहले, और ग्रेस मार्क नहीं मिलना चाहिए, बच्चे जो मेहनत करें उनके रीनीट होना चाहिए एग्ज़ाम उनके दोबारा से, और दोबारा CBSE को देना चाहिए, NTA को नहीं चलाना चाहिए क्योंकि। अच्छा, अब एक बात आई है कि सरकार की इसके हाई पावर कमेटी से जांच कराओ, आप क्या लगते हैं कि कोई परीक्षाओं पर गड़बड़ी है तो दोबारा होना चाहिए या अभी जो रास्ता ठीक है कि जो लग ग्रेस मार्क्स मिले वो मन के दोबारा देगा? मेरे हिसाब से तो शायद रीनीट होना ही चाहिए,
जो बच्चे वापस पेपर देंगे शायद उन्हें भी पता चले कि उनका कितना स्कोर आ रहा है, और जिस हिसाब से पेपर में अगर जो ग्रेस मार्किंग हुई है, जिस हिसाब से एनटीए ने अभी पेपर के नीट एग्ज़ाम में काफ़ी डिफ़ॉल्ट किए हैं पेपर में, उनको उस चीज़ को भी वेरीफाई करना चाहिए, और जिनके जितने मार्क्स आ रहे हैं उनको एक्चुअल में कितने उनके मार्क्स आने चाहिए पेपर में, सबसे उनको पता चलेगा। बिल्कुल, ये एक सबसे बड़े सवाल है। और हमारे टीचर भी हमारे संग में, शशांक जी हमारे संग में जुड़े, एक टीचर से भी बात करे था, तहन जाबो पहुना मन करा। शशांक जी, आप लोग क्या लगते हैं कि जो नीट में गड़बड़ी आए है, आप भी तैयारी करवा थो, तो एक जो डॉक्टर बनने के सपना होते हैं, पीछे कतका बड़ी मेहनत? देखिए, हमारे जो बच्चे हैं वो दो दो साल तक, तीन तीन साल तक यहाँ पे नीट की तैयारियाँ करते हैं, और अगर इस टाइप से पेपर लीक होता है या कोई स्कैम होता है तो बच्चों के भविष्य पे बहुत बड़ा खतरा है, ये उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। तो सुधार पर क्या होना चाहिए? जो एनटीए है उसे इस बात पे ध्यान देना चाहिए, जो बार बार नीट हो रही है उसमें जो भी गड़बड़ियाँ हैं, चाहे पेपर लीक का मामला हो या फिर जो चीटिंग होती है, उस बात पे ध्यान देना चाहिए। जो पेपर है उनकी सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए, या फिर एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो लीक प्रूफ हो। लीक प्रूफ सिस्टम, ये सबले बड़े सवाल है। और यही सवाल के संग में आवा पहुना मन संग ले चलता, मैं उमेश घोड़मोड़े जी जुड़ गए बीजेपी ले प्रवक्ता, धनंजय सिंह ठाकुर जी कांग्रेस के प्रवक्ता, और दानवीर हमारे संग में बालोद ले जुड़े हुए हैं। दानवीर, बालोद में लगभग 390 के आसपास लेकर मन दोबारा नीट की परीक्षा देवाही, का बोलत है ओमन, आगू तो नहीं आते लेकिन बोलत कहाँ है ओमन, कैसे ओकर मन के अभी परीक्षा अगर दोबारा होते तक, यू बात है का कोनो सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लेके गए हैं बालोद ले? जी बिल्कुल, बालोद के लिए अभी के जो नीट परीक्षा रही थे वो बहुत ही स्टूडेंट मन पर एक मौका रही थे। पहली बार यहाँ पर दो केंद्र बनाए गए रही थे, लेकिन पहला मौका ही लइका मन ला काफी दुखी कर दी, काबर जो वहाँ पर परीक्षा आयोजित हुई थे तो पहली तो गलत पेपर बांट दिए गए, ओकर बाद एक घंटा बाद जब पेपर ला चेंज कराई तो लइका मन हा ओकर विरोध भी करी, तो वहाँ के जो कर्मचारी रही थे, एग्जामिनर रही थे, ते मन ओमन ये बोले रही थे कि आप मन ला एक्स्ट्रा टाइम दे जाही, ओकर बाद समय भी नहीं दी गई, ओकर बाद लगभग 3 घंटा तक विवाद चली, प्रशासन के भी हस्तक्षेप हुई, लेकिन यहाँ पर कोई उचित जो निष्कर्ष है वो नहीं निकल पाए। जिससे राजनीति वाले मन राजनीति करत रही थे, लेकिन जो असली काम रही थे वो स्टूडेंट होकर पेरेंट्स मन के रही थे। दरअसल यहाँ पर जब कोई रास्ता नहीं दिखी तो वो मन सीधा हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाई थे, वहां से फैसला इस एनटीए ऊपर पूरा जिम्मेदारी डाले गई थे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गई थे, ओकर बाद परीक्षा पुनः कराए के आज निर्णय हो गए, 23 जून की परीक्षा है। तो जो एक केंद्र बनाए रही थे बालोद में, वैसे दो केंद्र बनाए रही थे, एक केंद्र के परीक्षार्थी मन हाई कोर्ट तक पहुंचे बर थोड़ा देरी करी या फिर कुछ उकर मन से कमी हो गए, लेकिन जो एक और केंद्र रही थे बॉयज स्कूल शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वहां के लइका मन पुनः परीक्षा दी रही, जिनमें लगभग 185 छात्र और छात्रा शामिल हवे। मतलब गड़बड़ी दोनों केंद्र में हो रही से? हाँ, गड़बड़ी यहाँ पर दोनों केंद्र में हो रही से। थोड़ा देर पहले हमन जो कन्याशाला में केंद्र बनाए रही थे, वहां के जो एग्जामिनर रही थे भूपेश्वर नाथ योगी, ओकर से बात करें तो वो बोली मोर केंद्र में तो परीक्षा नहीं होना है, ऐसा करके मैं बोले लापरवाही तो आपके यहाँ भी हो रही से, लेकिन आपके यहाँ वो खुद बोली कि हमार जो लइका मन है वो आगे जाए बर सक्षम नहीं हो पाई से, जेकर वजह से हमारे यहाँ परीक्षा नहीं हो पा थे। अच्छा। राजनीतिक प्रदर्शन भी हो इस बालोद में, लेकिन हाँ। जो वास्तविक जो मतलब ये रास्ता है वो हाँ। कोर्ट के द्वार से निकली, मतलब ये कि परीक्षा के तैयारी भी लइका मन करे, परीक्षा घलो लइका मन देवात है, ओकर बाद गड़बड़ी हो गए तो ओकर बाद लड़ाई भी लइका मन ही जाके लड़त है, ये कैसना व्यवस्था है उमेश घोड़मुने जी? जब CBSE करात रही इस परीक्षा तो कोई शख्स हुआ नहीं रही से, जहाँ NTA आईस तहाँ ले ये अतेक बड़ गड़बड़ी के मामला आ गए, और ये तो साक्षात सबूत है ना कि UGC नेट के पेपर ला खुदे रद्द करीस, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री मानीस कि नीट में भी गड़बड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ के लइका मन के का, वनांचल के लइका मन के का? देखो तृप्ति जी, हमारी प्राथमिकता है 0 एरर में एग्जाम कराना, और कहीं अगर कोई गड़बड़ी हुए है, कहीं कोई छात्र छात्रा मन संग कहीं अन्याय हुए है
तो ओकर बर न्याय करे बर कदम उठाना और एकरे सेती जे बालोद के विषय है या दंतेवाड़ा के विषय है ये दोनों जगह में परीक्षा केंद्र में गलत पेपर बांटे के ओकर बाद पेपर बांटे के बाद फिर सही पेपर बांटे के और सही पेपर बांटे के बाद अतिरिक्त समय जो छात्र छात्रा मन जो मेहनत करके परीक्षा दे बर पहुँचे रही से ओमन ला अतिरिक्त समय नहीं दे गए रही से तो ये केंद्र के अंदर के गड़बड़ी के शिकायत लगातार आत रही से 5 मई को वो परीक्षा हुए है 5 मई को घलो जब ये परीक्षा हो रही से उकर बाद आप मन के माध्यम से हमरो करा ये सूचना आए रही से छात्र छात्रा मन हमरो करा आए रही है और हमो मन ओला काबर कि हमन राजनीतिक दल के लोग हन हमो मन सुझाव दे रहन कि भैया NTA ला तुमन पत्राचार करो और ये माध्यम से तुमन अपन बात ला वहाँ तक पहुँचाओ और NTA है एमें निर्णय ले केवल छत्तीसगढ़ के बालोद और दंतेवाड़ा के विषय नहीं है और राजस्थान के विषय है और एक ठो परीक्षा केंद्र ऐसे करके 1563 छात्र छात्रा मन री एग्जाम में बैठैया है और एकर जिम्मेदारी NTA हा ले है कि भैया यहाँ गड़बड़ी होए है यहाँ दिक्कत होए है यहाँ परीक्षक पेपर गलत बांटते गए और ये छात्र छात्रा मन संग अन्याय मत हो एकरे सेती री एग्जाम एकर मन के होते बोनस नंबर के बात आईस ग्रेस नंबर के बात आईस पहले ग्रेस नंबर घलो दे रही से बाद में एकर मन के ग्रेस नंबर 1563 छात्र छात्रा मन के ग्रेस नंबर ला वापस ले ले है अब ओमन ला परीक्षा में बैठना है और जेन छात्र छात्रा है ये परीक्षा नहीं बैठी 1563 में से 602 तो खाली छत्तीसगढ़ के है तक कतका बड़े सवाल है धनंजय जी हम देखे रहे हैं कि बालोद में कांग्रेस पार्टी के विधायक घलो गे रही से लेकिन सवाल ये उठते कि आज बालोद में एक केंद्र के है दूसर केंद्र में घलो अब कांग्रेस पार्टी ला राजनीतिक मुद्दा तो बना थे उठा जरूर है न्याय तक कब जाही कैसे भरोसा हो ही विपक्ष के भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। देखो तृप्ति जी नीट परीक्षा तो बिहार चर्चा हमला बालोद जिला के जो दोठन केंद्र में लैका मन गलत पेपर बांटे गिस गलत पेपर बांटे के बाद लैका मन के समय खराब हुई से उखर नुकसान लैका मन ला हुई से जैसे आपके संवाददाता बता दी से एक केंद्र के लैका मन न्यायालय गई से तो केंद्र में परीक्षा हो के ऑर्डर हो गए है दूसरे केंद्र में परीक्षा का ऑर्डर नहीं हुए चाहे दंतेवाड़ा के मामला देख लो मैं एक खबर देखा रहे हूँ कि पूरा देश में 6 ठन जो केंद्र है परीक्षा के जहाँ लगभग 3000 छात्र एग्जाम दे रही सब है नीट के वहाँ मात्र 1553 झल्ला ग्रेस मार्क दे रही से बाकी मल्ला कोई ग्रेस मार्क नहीं दिस और देखूँ कि माननीय न्यायालय में शिकायत करे छात्र मन के संख्या लगभग 20,000 मतलब 20,000 छात्र पीड़ित है तो सवाल ये उठते ना कि आज भी जो नीट परीक्षा लेके जो NTA है ओखर रुख साफ नहीं है। दूसरा बात बिहार में आप देखो एक छात्र स्वीकार करत हवे कि परीक्षा के एक दिन पहले ओला परीक्षा के पेपर मिल जाते प्रश्न मिल जाते प्रश्न रटवाए जाते वो दूसरे दिन पेपर देवल जाते तो सवाल पूरा उतके आते वहाँ से वो पेपर हल करके आते ये थाना में रिपोर्ट के बाद ओकर गवाही हो गवाही में बयान स्वीकार करे है वो गलती स्वीकार करे। तीसर बात गुजरात के गोधरा में जो पेपर देती छात्र मन है वहाँ के छात्र मन जो परीक्षा के बाद जो परिणाम ऐसे वहाँ 720 में से 720 नंबर मिले बात आते राजस्थान में वही स्थिति है तो भाई का छात्र परीक्षा देवा है नहीं तो ये या तो, परीक्षा ये तो खुला, के खुला पकड़ा गए वहाँ धनंजय जी लेकिन छत्तीसगढ़ में का हुई छत्तीसगढ़ में का ऐसे माने जाए कि बालोद हो या दंतेवाड़ा हो वहाँ कोनो प्रतिकार नहीं हो ही तेकर से थी ऐसे ऐसे गड़बड़ी ला अंजाम दे के कोशिश में रही इनका। मैं तो कहा था उन्हें तो पूरा देश में नीट की जो परीक्षा है मैं तो पूरा ये कहा था नीट के परीक्षा ला धांधली करके गड़बड़ी करके देश के लगभग 25 लाख जो होनहार छात्र है जो डॉक्टर बनना चाहते जो डॉक्टर बने के बाद चिकित्सा के क्षेत्र में जाकर जनता की सेवा करना चाहते ना नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ छल कर रहे हैं। एक गांव गोठिया लेता हूँ है ना छात्र मन से। अच्छा आप ये बताओ कि जैसे अभी जो छात्र छात्र मन जे मन ये सोचते कि पेपर पहली मिल जाही और नकल करके चल दे वो तो ऐसे मन पर का बोल हुआ जो लोग ऐसा सोचते हैं कि पहले पेपर मिल जाएगा और नकल कर देंगे उन पे बाकी जैसे वो अगर आगे चल के डॉक्टर बन भी गए तो उन पे ट्रस्ट नहीं होगा ना क्योंकि लोगों को पहले से पता होगा कि लाइक वो लोग चीटिंग करके पास हुए हैं और उनके ज़्यादा नंबर आएंगे और लोगों का ट्रस्ट भी नहीं रहेगा कि ये डॉक्टर सही हैं कि नहीं है तो डॉक्टर की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और जैसे डॉक्टर को भगवान माना जाता है वो लोगों का ट्रस्ट हट जाएगा उसके ऊपर से। अच्छा जब गड़बड़ी कोई भी परीक्षा में होते तो ओला दोबारा कराना चाहिएगा
ठीक है, अभी जो नीट ग्रेस वाले हटा के बाद कुछ जन के करा देते हैं ठीक है कि पूरा दोबारा कराना चाहिए? अभी तो जिनको ग्रेस मार्क्स मिली है तो बाकी स्टूडेंट्स जो मेहनत करके पास हुए उनके साथ तो पार्शलिटी हुई है कि वो उनकी मेहनत को कोई कीमत नहीं दे रहा है, उनकी मेहनत का कोई कदर नहीं कर रहा है कि वो कितना डेढ़ डेढ़ साल दो दो तीन तीन साल मेहनत करके पैसा लगा के परिवार जो जिनके परिवार फाइनेंशली स्ट्रांग नहीं होते उनके तो स्टूडेंट्स अंदर से टूट जाते हैं। फिर जो बाकी जो अभी नई तैयारी कर रहे हैं नीट की उनका तो पूरी कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा उनका। आप भी नीट की तैयारी कर रहे हो? जी हाँ। अच्छा, तो कद का टफ पढ़ाई होती होगा उसका? तो अभी तो हमने चालू किया है तो आगे हम देखेंगे कितना टफ होगा, अभी तो कुछ नहीं बोल सकते। मतलब डॉक्टर बनने के सपना है? हाँ। आप भी डॉक्टर बनने के सपना लेके चला था? हाँ जी। तो ऐसे पेपर लीक वीक एक बार स्टूडेंट मन ला कत का सजग होना चाहिए? स्टूडेंट मन ला तो नहीं, लेकिन पेपर फिर से दिलवाना चाहिए मोर हिसाब से। हाँ। कार की जे मन फिर इतना मेहनत करे ना तेकरो मन बार वो फायदा हुई। हाँ। कार की वह मन दो दो साल मेहनत करे तो पेपर फिर से होना चाहिए। अच्छा, पेपर फिर से होना चाहिए का? होना चाहिए। का सोचते हो आप मन ये जो पेपर लीक आते थे? इसके बारे में सोचना तो ये चाहिए कि आगे चलकर ये चीज़ ना हो, और जैसे ये चीज़ जो हो रही है इसकी सिक्योरिटी के बारे में और इसके शेड्यूल के बारे में ये चीज़ सोचना चाहिए कि ये चीज़ दोबारा ना हो। अच्छा, CBSE ऊपर भरोसा है, NTA ऊपर नहीं है? हाँ। NTA ऊपर नहीं है? नहीं, क्योंकि जो ऐसा हुआ है उसके कारण तो पूरा भरोसा उड़ गया ना। अच्छा, कैसे? नहीं है एजेंसी पे NTA पे भरोसा है? अब तो नहीं रहा, जब ही हो गया है। मतलब स्टूडेंट जो है वो चाहते कि NTA नहीं कराया? नहीं, अब CBSE को आना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के बाद तो हर स्टूडेंट का भरोसा उठ जाएगा NTA के ऊपर से। कोई भी कराए पर अच्छे से कराना चाहिए, लेकिन CBSE पहले से कराती थी वो ज़्यादा अच्छा था। अगर NTA भी वही फॉलो कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। NTA को नहीं कराना चाहिए, CBSE को कराना चाहिए। और पहले भी ऐसे लीक के मतलब एक दो बार ऐसे आए हैं कि लीक हो जा रहे हैं पेपर, तो CBSE को कराना चाहिए। तो ये देखो, आप स्टूडेंट की आवाज़ है, ये तो छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए का मन है, लेकिन जब बालोदमा दानवीर बालोदमा जब ये पूरा बवाल मचिस, आप कहाँ समझते हो, आप कहाँ देखो ऐसे कारण कबर की पहली बार परीक्षा केंद्र बनना, वो परीक्षा केंद्र में बालोद के पूरा जिला भर ले या तीन तीन विधानसभा आते वहाँ के लइका मल्ला के अपियर होना, कतका संख्या में लइका मन रहीन है, और का लगते है आपला कि वहाँ ऐसे सोचे रहीन का कि बवाल नहीं हुई या मान जाही कि हाँ तुम ला बेरा दे दे वो हो जाही की के? पहली बार जब परीक्षा हुई थे तो छात्र मन सोचित कि बाहर ज्यादा नहीं पड़े परीक्षा दे बार, खुशी खुशी यहाँ सेंटर में सब मन आवेदन कर रही थे और बकायदा लड़का मन शामिल भी हुई, लगभग 400 के संख्या में लड़का रही थे। लेकिन वो मतलब पता नहीं रही कि पहली बार के मौका में ही अतिक बड़े लापरवाही या अतिक बड़े धोखा होकर मंथन हो जाई गई थे। जो यहाँ दो केंद्र बनाए रही थे, जो कन्याशाला के लड़का मन है वो मन तो शांतिपूर्वक निकल गए, मन कौन ला बतान कैसे करन ऐसे हो गए रही थे। लेकिन जो दूसरा केंद्र है आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वहां पे बात पूरी तरह लीक हुई, पेरेंट्स मन हंगामा करे चालू करी, कर्मचारी मतलब वहाँ कुर्सी में बंधक बना के रखे रही थे। लेकिन सबसे बड़े यहाँ पर समस्या ये है कि एकर जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं रही थे वहाँ। पेरेंट्स मन चिल्ला चिल्ला के थक गए, लड़का मन रो रो के थक गए कि कौन है एकर जिम्मेदार, हम का करें तिला सामने लाओ करके। लेकिन यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार आदमी नहीं है। जब सब लड़का मन चल दी तो जिला प्रशासन से डिप्टी कलेक्टर रही वहू जाँच करके गई थे। लेकिन बात यह है कि अब NTA जैसे संस्था परीक्षा लेते। हाँ ठीक है उमेश जी, अब क्या बोलन बताओ आप ये बात के, जैसे छत्तीसगढ़ के बालोद ही है, अब जैसे दानवीर बता थे कि लइका मन सोचें कि अब दुरिया नहीं जाए लगी, इन्हें किहे हो जाही तो फिर ये गड़बड़ी हो जाते। अब व्यवस्था ला सुधारे की जिम्मेदारी तो सबके है और खास तौर पर सत्ताधारी पार्टी के, तो सवाल ये उठते कि कैसे भरोसा वापस आई छात्र छात्रा मन के, आपकी जिम्मेदारी बड़े ही सरकार में होता। देखो तृप्ति जी, पूरा जिम्मेदारी बनते और नीट के परीक्षा पर जिन हिसाब ले परीक्षार्थी मन पूरा प्राण से जुटते मेहनत करते, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि केवल परीक्षार्थी नहीं जुटे,
ओकर पूरा परिवार ये परीक्षा के तैयारी कराए बर जुटथे और पूरा मेहनत करके अपन पूरा मेहनत ला वो परीक्षा में जा करके वो विद्यार्थी है देते और ओकर बाद केंद्र के अंदर में ये प्रकार के जे बालोद के अंदर या दंतेवाड़ा के अंदर निश्चित रूप से बहुत बड़े लापरवाही और बहुत बड़े गड़बड़ी वहाँ ले निकल के आए हैं और सीधा सीधा मैं तो एक कदम आगे बढ़ के कहत हूँ कि जितना छात्र छात्रा मन बालोद में और दंतेवाड़ा में परीक्षा दे है ओकर मन के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे वाले घटना वहाँ पर होए है, लेकिन जिन हिसाब ले एनटीए है वहाँ निर्णय ले है और फिर से परीक्षा हो थे तो मैं समझता हूँ कि एक बार और मौका है वो छात्र छात्रा मन करा कि वो मन फिर से जाके 23 तारीख को परीक्षा दे और अभी काउंसलिंग भी अभी रुके हुए है एकर मन के परीक्षा के रिजल्ट आ जाही ओकर बाद जो रिजल्ट है मेरिट सूची है वो रिसफल हो ही और ओकर बाद फिर आगे काउंसलिंग की प्रक्रिया जाही और ये पूरा प्रक्रिया है काबर के देश भर के अंदर में जो स्थिति बने हैं वो न्यायालय में भी है न्यायालय भी एनटीए के कार्यप्रणाली ला देखा थे नीट के परीक्षा देखा थे केंद्र सरकार ये विषय में गंभीर है और एकरे से थी केंद्र सरकार एनटीए के कार्य के बीच से भी उठते ना जब नेट ला रद्द कर सका थे त नीट मत अतका गड़बड़ी पकड़ाए है लोगन गिरफ्तार होते त रद्द काबर नहीं कर सके सबके सब दे बाबा परीक्षा मैं जवाब देना चाहूंगा ये बहुत अच्छा सवाल है और एकर जवाब आना चाहिए देखिए देखो नीट के जो परीक्षा है ओकर परिणाम नहीं नेट के जो परीक्षा है ओकर परिणाम नहीं आए रही से और जो नीट के जो है 24 लाख अभ्यर्थी मन अपन मेहनत से परीक्षा दे है ओकर परिणाम निकल के सामने आ गए हैं और वो जम्मो 24 लाख अधिक छात्र छात्रा मन के भविष्य के जिम्मेदारी ओकर मन संग न्याय करे के जिम्मेदारी हमर है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोनो संग अन्याय नहीं हुई बालोद से केंद्र सरकार तक नीट तक ये बात जानकारी पहुंची एनटीए तक कि भैया गड़बड़ी हुए फिर ले परीक्षा कराते दंतेवाड़ा गड़बड़ी उजागर हुई फिर से परीक्षा कराते धनंजय जी छोटे से जवाब है हाँ। कि कोनो छात्र छात्रा मन संग अन्याय मत हो ठीक है देखो तृप्ति जी जोन हिसाब से पूरा देश भर में छात्र मन के न्याय तो कर ही नहीं सके ना जो केंद्र में बैठे सरकार हो न्याय कहाँ करते हो तो अन्याय करते यहाँ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ला होश नहीं है एनटीए ले क्लीन चिट देती रही से न्यायालय जब बात करी तब तैयार हुई सब है जहाँ गोधरा में लफड़ा सामने आ गए जो बिहार में जो छात्र स्वीकार कर ली से तो बहुत शर्म के बात है मैं सबसे पहले बोलता हूँ केंद्रीय शिक्षा मंत्री बर्खास्त करना चाहिए एनटीए ले बर्खास्त करना चाहिए और पूरा छात्र मन के भविष्य ले देखते हुए सुन लेना भाई उज्ज्वल भविष्य देखते हुए नीट के परिचय छात्र मन के नाम में फिर से करना चाहिए बालोद की बात कर लो दो केंद्र में बड़ी माफी के संग रोकना चाहा तो छात्र छात्र मन भी अपन बात ला रखे है विश्वसनीयता के सवाल है कवर के मन विकट मेहनत करते लड़का मन जाके परीक्षा देवाते अपन सपना ला लेके जाते हैं तो ओकर मन संग अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए बहुत धन्यवाद आप सबके हमारे संग जुड़े बार